गाइस इस वीडियो में आपको फोनपे की एक नई सर्विस के बारे में बताऊंगा जिसमें फोनपे ने IRCTC ऐप को या उसकी सर्विस को अपने ऐप के अंदर ही इनबिल्ट कर दिया है। मेरे साहब आपको टिकट बुक करने के लिए कोई भी टिकट ट्रेन की तो आपको IRCTC का ऐप या वेबसाइट खोलने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो फोनपे के अंदर से जाके भी अपनी ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं। तो वो मैं आपको दिखा दूंगा, एक लाइव टिकट बुक करके भी दिखाऊंगा, हालांकि मुझे कहीं जाना नहीं है बट फिर भी एक लाइव टिकट आप लोगों के सहूलियत के लिए दिखा दूंगा। इसके पीछे रीजन ये है कि हो सकता है आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी हो, हालांकि ये नई सर्विस है, अभी कुछ ही दिन पहले स्टार्ट हुई है, बट हो सकता है आपने सुना भी हो सकता है आपके मन में कन्फ्यूजन हो कि यार इससे बुकिंग कैसे करेंगे, तो वो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। दूसरा मैं आपको एक फायदा बता देता हूँ, इसके अंदर फायदा क्या होगा आप सोच रहे होंगे कि यार जब मैं IRCTC से कर ही सकता हूँ तो इससे बुक करने का क्या फायदा है। तो पहला तो मान लीजिए कि आगे फ्यूचर में आपको कैशबैक मिलेगा, हालांकि अभी कोई ऐसा ऑफर नहीं है, हो सकता है आगे आपको फ्यूचर में कैशबैक फोनपे की तरफ से मिलने लग जाएगा, इसको ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए कैशबैक ऑफर मिल जाएगा। दूसरा एक सबसे बड़ा फायदा इसमें यह है कि सपोज आपके फ्रीचार्ज के वॉलेट में कुछ पैसा है, मान लीजिए आपके फोनपे वॉलेट में कुछ पैसा है, मान लीजिए जियो मनी के वॉलेट में कुछ पैसा है, तो सबको कंबाइन करके आप एक टिकट बना सकते हैं। तो मान लीजिए किसी में 10 रुपए, किसी में 20 रुपए, किसी में 30 रुपए, तो सबका टोटल आपका 50-60 रुपए हो जाएगा। मान लीजिए 100 रुपए की टिकट है तो 60 रुपए इन तीनों का कंबाइन हो जाएगा, 40 रुपए आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पे कर देंगे। तो सिंपली आप सबको कंबाइन कर सकते हैं, जो कि आप IRCTC की वेबसाइट और ऐप में ऐसा नहीं है, आपको केवल एक मोड से ही पेमेंट करना पड़ता है, अदर मोड को आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको क्या करता हूँ कि आपको यहाँ पर दिखाता हूँ आपको क्या करना है। इसके लिए आपको फोनपे वॉलेट अपना ओपन कर लेना, अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिखेगा तो आपको इसको अपडेट कर लेना। अपडेट करने के बाद यहाँ पर आपको ऐप का ऑप्शन दिख रहा होगा, ऐप्स का, तो इसको आपको खोल लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए IRCTC का ऑप्शन देखना है, इसको आपको ओपन कर लेना है। अभी मैं आपको बता दूँ, अभी आप अगर फोनपे की तरफ से बुक करते हैं तो यहाँ पर आपको लिख रहा होगा 0 एक्स्ट्रा चार्जेस। तो अभी फोनपे अपनी तरफ से कोई चार्जेस नहीं ले रहा है, मीन्स अपनी तरफ से कोई सर्विस चार्ज नहीं ले रहा है। तो आपको क्या करना है, IRCTC पर टिकट यहाँ पर कर देना है क्लिक। इसके बाद जहाँ से जहाँ तक आपको जाना है और डेट यहाँ पर जो होती है वो सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर ओरिजिन जहाँ से जाना है, डेस्टिनेशन जहाँ आपको जाना है जहाँ से और जहाँ तक, यहाँ डेट और यहाँ पे स्लीपर, थर्ड AC, सेकंड सीटिंग, जो भी आपको लेना वो ले सकते हैं। यहाँ पे कोटा में जनरल या तत्काल, जो भी कोटा आपको सेलेक्ट करना है वो कर सकते हैं। तो मैं सस्ती सी टिकट यहाँ पे बुक करने के लिए मैं एक सस्ता सा एक रूट ले रहा हूँ, सस्ती सी ट्रेन में एक सेकंड सीटिंग लूँगा, क्योंकि मुझे जाना तो कहीं है नहीं, तो बस मुझे आप लोगों को दिखाना है, तो वो पैसा तो मेरा वेस्ट हो जाएगा जो भी, क्योंकि कैंसिलेशन चार्ज इतना ज़्यादा है तो कैंसिल करने पर भी मुझे मिलेगा नहीं। तो मैं एक सस्ती सी टिकट ले रहा हूँ और यहाँ जाने के बाद मैं टिकट यहाँ पे 20 नवंबर की जगह मैं 21 नवंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च ट्रेन पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो ये प्रोसेस ही आपको करना है, जैसे भी आप नॉर्मल IRCTC करते हैं वही करना है। तो यहाँ पे मैं गोरखधाम मान लीजिए एक टिकट है, मुझे पता है कि इसमें एक सस्ता सा एक टिकट मुझे मिल जाएगी, तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेकंड सीटिंग की यहाँ पे दिख रही है, मैं इसमें 60 रुपए वाली सीट पे क्लिक कर दे रहा हूँ। हालांकि मैं अभी इसमें सीनियर सिटीजन लगा दूंगा तो ये और सस्ती हो जाएगी। बोर्डिंग पॉइंट पूछ रहा है मैं कहाँ से इसको बोर्ड करूँगा, यहाँ से कहाँ से बैठूंगा, तो मैंने वो सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पर जाने के बाद मैं अपना यहाँ पे चलिए मैं अभिलाष नाम डाल देता हूँ अपना, और यहाँ पे मैं एज क्या करता हूँ, सीनियर सिटीजन वाली एज डाल देता हूँ जिससे मेरी टिकट की वैल्यू और कम हो जाए। सीनियर सिटीजन यहाँ पे कोटा देखिए लग गया है, सीनियर सिटीजन कोटा लगने के बाद थोड़ा सा और नीचे आते हैं। यहाँ जाने के बाद आपको मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर टोटल फेयर हो गया है 50 रुपए, तो ये आपको देख लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए अब यहाँ पर क्या है कि मेरा फ्रीचार्ज में देखिए 50 रुपये मेरा पैसा पड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे अदर भी कोई वॉलेट का पैसा होता तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाता, तो मैं फ्रीचार्ज में ओनली पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे फ्रीचार्ज का यहाँ पर ओनली कर देता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पर देखिए मेरा दिख क्या रहा है कि ये डिवाइस वेरीफाइड नहीं है, तो मैं वीडियो पॉज करके इसको डिवाइस एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ OTP बेस पे, उसके लिए वीडियो लंबा करने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे डिवाइस वेरीफाई है तो बस आपको पे पर क्लिक करना रहेगा। तो मैं डिवाइस वेरीफाई कर लेता हूँ, फिर आगे आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे आगे का प्रोसेस आपको करना है। तो गाइस ये मेरी डिवाइस हो चुकी है वेरीफाई। इसके बाद मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पे नीचे आपको पे का ऑप्शन दिख रहा होगा, मैं पे पर क्लिक कर देता हूँ। अब पे पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए टिकट जो है आपकी यहाँ पे बन के यहाँ पे देखिए बनने के बाद आगे मैं जाता हूँ IRCTC की तरफ से। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हो सकता है जब फर्स्ट टाइम आप बनाएंगे टिकट तो आपको ये यूज़र आईडी और पासवर्ड का ये ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ पे यूज़र आईडी मेरी पहले से पड़ी हुई है। ये जब मैं फर्स्ट टाइम बना रहा था इस वीडियो को बनाने से पहले तो मुझसे एक बार यूज़र आईडी फिल करवा चुका था, तो वो ऑप्शन अभी आपने जब वीडियो मैंने बनाया तब मुझे नहीं देखने मिला, बट जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपसे यूज़र आईडी IRCTC की डलवाएगा। तो आपको यूज़र आईडी वहाँ पे सिंपली फिल कर देना, कुछ नहीं, एक ऑप्शन इस वीडियो में बस कट हो चुका है, तो वो आपको एक यूज़र आईडी फिल करने का ऑप्शन देगा, तो आप फिल कर लीजिएगा। तो आप जब आएंगे कुल मिला के आना आपको यहीं पर है, उसके बाद वहाँ फिल करने के बाद तो यहाँ पर यूज़र आईडी आ चुकी है। अब मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल करता हूँ और फिर उसके बाद कैप्चा और फिर सबमिट। तो मैं ये चीज़ें करके फिर आगे आपको वीडियो दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने देखिए अपना पासवर्ड फिल कर दिया है, कैप्चा फिल कर दिया है और मैं सारा प्रोसेस आप लोगों को लगातार करके दिखा रहा हूँ। मीन्स अभी मैंने वीडियो कहीं पे बस बीच बीच में रोक दे रहा हूँ। तो बुकिंग देखिए यहाँ पे सक्सेसफुल हो गई है और उसके बाद यहाँ पे रिव्यू बुक का यहाँ पे देखिए आ गया है और यहाँ पर ये इस तरह की टिकट बन के आ गई है और यहाँ पे रिसीव ई टिकट का ऑप्शन है,
यहाँ पे सारी डिटेल्स हालांकि मिल चुकी है, पीएनआर नंबर हालांकि मिल चुका है, पीएनआर नंबर ही बहुत होता है। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे देखता हूँ किसके, देखिए यहाँ पे आईआरसीटीसी की तरफ से मुझे मेल भी आ चुका है, ये देखिए आईआरसीटीसी की तरफ से मुझे मेल आ गया है, तो मेल भी आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर ई टिकट रिसीव ईमेल का ऑप्शन है, तो यहाँ पे देखिए फिर से रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर यहाँ पर ईमेल इन लोगों ने भेज दिया है, तो ये हो गया सारी डिटेल। उसके बाद यहाँ पे सीट्स का है, कैंसिल सीट मीन मैं कैंसिल कर सकता हूँ यहाँ से शायद टिकट भी, तो ये सारा प्रोसेस है। इस तरह से आप चाहेंगे तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेरा भी वेटिंग टिकट है, तो मैं यहाँ से रिफ्रेश स्टेटस का भी ऑप्शन है, तो मैं यहाँ से रिफ्रेश भी कर सकता हूँ। अगर मेरा स्टेटस बाद में आऊँगा तो मैं यहाँ पर रिफ्रेश भी टिकट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से आप अगर चाहेंगे तो अपनी टिकट्स को आप यहाँ पर बुक कर सकते हैं ईजिली, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मीन्स आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली देखिए यहाँ पर आपको, फिर यहाँ पर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 50 रुपये मेरा फ्रीचार्ज की तरफ से डेबिट हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इस तरह से आपको आईआरसीटीसी के वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि तत्काल टिकट बनानी है तो शायद आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा यहाँ पर, मैंने अभी तत्काल का ट्राई नहीं किया, तत्काल का ऑप्शन नहीं मिलेगा, बट जनरल आप टिकट यहाँ से बुक कर सकते हैं। तत्काल के लिए मैं आपको सलाह दूंगा भी नहीं कि आप यहाँ से कीजिए, आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट से जाके कीजिएगा, यहाँ से कुछ प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस था, मैंने लाइव बुकिंग आपको करके दिखा दिया, जो भी प्रोसेस था सारी चीज़ें बता दिया। तो अब भी आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और बाकी आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करके वीडियो एग्जिट करिएगा, क्योंकि इस तरह के जो ऑफर्स होते हैं जो ज़्यादा लोग आपको नहीं बताते हैं वो तो आपको पता चलते रहते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में, नए टॉपिक, नए ऑफर्स, नए शॉपिंग टिप्स के साथ। अब गुड डे, गुड बाय।